कभी कोई क्लास रिकॉर्ड होती है, कभी आवाज़ आती है, कभी चली जाती है, हम जाएंगे छुट्टी हो गई और जवान अगर वहाँ जाते हैं। अगर आप अभी डाउनलोड कर लें तो बहुत पर्टिकुलर टीम के डाउनलोड ज़्यादातर तो आप उसकी रिक्वायर्ड बहुत थोड़ा हो जाएगा डाउनलोड किया उसकी गोल्डी बहुत खराब होती है। अच्छा अच्छा तो क्या करें उसके लिए? मैं उसके लिए कैमरा चाहिए। अच्छा ठीक है मोबाइल चेंज कैमरा देखो सेटअप बना लो देखिए अब देखते हैं उसमें कुछ कौन डिजिटल बोर्ड लेने वाले हैं डिजिटल बोर्ड लेके फिर प्रॉपर पेमेंट क्लास करें। देखिए आज बच्चे काफ़ी बच्चे कोचिंग नहीं आ पाए हैं इसलिए आज वाली क्लास हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक का है। देखिए लेसन सेकेंड है लेसन सेकेंड यूनिट सेकेंड यूनिट का नाम हम यूनिट वाइज पढ़ाते हैं डायनामिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज कई बार बता चुके हैं डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज ये लेसन का नाम है। ठीक है ये हम पहले भी बता चुके हैं। इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आज हम पूरे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा तुम लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे तो पूरे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाएंगे। इलास्टिसिटी पढ़ा दिया है तुम लोगों को फिर से पढ़ाना है एक्स्ट्रा में बुला के कराएंगे चिंता नहीं करेंगे। जो भी बच्चे आ रहे हैं उनका कंप्लीट सिलेबस कराना ठीक है। देखिए आज पहले तो बता दें कि दो थ्योरम यूज करनी है जिसके बिना चल नहीं पाएगा। एक है बता चुके थे फिर से एक बार बता दे रहे हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये यूज करनी है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करनी है। इस थ्योरम में तब आप यूज करो बेटा इधर देखो नाम क्या है अंजलि ये थ्योरम आप पैरेलल एक्सिस तब यूज करोगे जब पैरेलल एक्सिस बने जब पैरेलल एक्सिस बनेगी तो थ्योरम आप पैरेलल एक्सिस यूज करोगे और जब परपेंडिकुलर एक्सिस बनेगी तो थ्योरम आप परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करोगे। तो थ्योरम आप पैरेलल एक्सिस मान लीजिए कोई बॉडी है चाहे जिससे उसमें एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास के पास एक एक्सिस मान लो पी क्यू है जो सेंटर ऑफ मास के पास कर और एक एक्सिस कॉर्नर से पास ठीक है ए बी इनके बीच की सपरेट सब एच इनके बीच की सेपरेशन एच है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर आई सी एम प्लस एम एच ये है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये तुम्हें अभी यूज करनी है इसके अकॉर्डिंग करना है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में ये थ्योरम आपको आज हम यूज कर रहे हैं इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं प्रूफ के अकॉर्डिंग नहीं आगे यूज करना है। क्यों आप जैसे कोई बॉडीज लेते हो तो एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास के पास कर रही है सीएम का मतलब सेंटर ऑफ मास एक एक्सिस द्रव्यमान केंद्र से पास कर रही है
और एक एक्सिस कहीं से भी पास कर रही है पर वो पैरेलल में अरेंज हो रही है। उन दोनों एक्सिस के बीच की सेपरेशन h है, उन दोनों एक्सिस के बीच की सेपरेशन h है, तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्सिया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया, बॉडी का मास ठीक है, और उन दोनों एक्सिस के बीच की सेपरेशन का स्क्वायर का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्सिया बॉडी का, किसके अबाउट इस एक्सिस का, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ बॉडी मोमेंट, दो वो ले चुके हैं लीड, पर वो लीडे क्या करती हैं, कई बार आवाज नहीं आती, अगला दो घंटे क्लास रिकॉर्ड हो गई और मूड खराब हो जाता, कभी जाके मोबाइल चेक कराएंगे और लीड चेक कराएंगे। अब जवाहर नगर मार्केट जाके तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ बॉडी अबाउट द पैरेलल एक्सिस, अबाउट द पैरेलल एक्सिस, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्सिया किसके अबाउट, पैरेलल एक्सिस के, मोमेंट ऑफ इनर्सिया बॉडी अबाउट द सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्सिया बॉडी अबाउट द सेंटर ऑफ मास, कैपिटल एम मास ऑफ द बॉडी, कैपिटल एम मास ऑफ द बॉडी। ये एक और थ्योरम है जो तुम्हें मतलब अब आप यूज करने के अकॉर्डिंग चलिए। देखो जब एक एक्सिस जो है सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और दूसरी एक्सिस ऐसे है कि वो पैरेलल अरेंज हो रही है, उस स्थिति पर ये बनेगा, ठीक है। अब आ जाइए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, दूसरी है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये बॉडी इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसके अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई एक्स, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई वाई, इसके अबाउट, ठीक है। तो आई एक्स की वैल्यू जैसे आप कोई पार्टिकल लोगे पी तो उसमें वाई आएगी परपेंडिकुलर, इसमें लोगे परपेंडिकुलर, तो आई एक्स की वैल्यू सिग्मा एम वाई, आई वाई की वैल्यू सिग्मा एम एक्स। तो थ्योरम याद रखना, ये तो तुम्हें यूज करनी पड़ेगी, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई, ठीक है, ये है बच्चों, ठीक है। अब आइए एक सिस्टमेटिक वे में बता रहे हैं, सरल से टफ की तरफ चले, ठीक है। ग्यारह बॉडी से ग्यारह कार्य बता देंगे समझ। पहला आइए, पहले तो एक स्पेशल एडिंग डालिए, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ डिफरेंट बॉडी
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग वस्तुओं का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, अलग अलग वस्तुओं का। शुरुआत हम ये मत सोचना कि जैसे कहीं अगर नहीं समझ आ रहा तो कुछ ये मत क्या ये ना सोचना कि अब बीच में पढ़ रहे तो नहीं आए, इसका टॉपिक से लेना देना नहीं, आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तुरंत पूछ। पहला हम बिल्कुल सरल से शुरू कर रहे हैं, रिंग से शुरू कर रहे हैं और आपके सिलेबस को देख के चल रहे हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, रिंग को कहते हैं छल्ला, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ये रिंग ठीक है, इसका ये इसकी रेडियस है, रिंग का मास है, रिंग का मास है, एक एक्सिस है जो ऐसे पास करेगा, एक एक्सिस है जो इस तरीके से पास करेगा, ठीक है, जो मतलब ये रिंग है और ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, जेड जेड ये मानो, एक्स ये मानो, वाई तो ये है, इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर, इसे आई जेड की जगह आई बराबर एम आर स्क्वायर, सीधा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जेड जेड, जब कॉलेज बंद हो गया तब इनको एडमिशन किया। ऐसे ही एक गर्ल्स है थर्ड ईयर में, उसकी सिस्टर को एडमिशन लेना था, ठीक है, जब तक कहते रहे लेना ले लाते ले लेंगे ले लेंगे ले लेंगे, जब रजिस्ट्रेशन बंद हो गया तब मेरी अफसर एडमिशन चलेगी, हमने कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन होगा तुम्हें तो वो करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, ओके एडमिशन तो पेपर में दो दिन पहले हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड डैश आई जेड बराबर, जो कि आई के बराबर आई से निकालते और वो क्या हो गया एम आर, ये बच्चों का मैं इसका प्रूफ नहीं है, ऐसे ही याद करना है आई बराबर एम आर, ठीक। अब दूसरा किसके अबाउट डायमीटर के वो, दूसरा अबाउट डायमीटर अबाउट डायमीटर डायमीटर के तो ये है आपकी रिंग, ये हो गई एक्स एक्स, ये हो गई वाई वाई, तो ये है आई एक्स, इसके अबाउट आई
आई एक्स है इसके अबाउट आई यू, आई वाई है इसके अबाउट आई यू, आई जेड है इसके अबाउट आई यू। लगा दीजिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस according to theorem of perpendicular axis, I बराबर I, I z बराबर I x plus I, I z बराबर I x plus I, आई जेड की जगह आई रख दीजिए, आई एक्स की जगह आई डी, आई वाई की जगह आई, टू आई डी बराबर आई, टू आई डी बराबर आई डी बराबर आई वाई या एम आर एस ये डायमीटर के अबाउट, ठीक है, एम आर स्क्वायर बाई, ठीक है, तो डायमीटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्सिया आई डी का मान क्या आया, एम आर स्क्वायर बाई, एम आर स्क्वायर बाई। अब देखिए तीसरा, अबाउट टेंजेंट तीसरा देखिए, अबाउट टेंजेंट तीसरा देखिए, अबाउट टेंजेंट इस पर
फिर तुम्हारी दीदी भी तुम्हें बहुत डांटेंगी ना, पर तुम परेशान ना हो, ज्यादा दिक्कत हो तो हमें बताना, हम समझा देंगे। रिंग का बता चुके थे तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं अभी पढ़े हुए हो। अब देखिए, अब यहाँ पर आईटी तो देखिए, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, आई बराबर आई सी एम, आई की जगह आई, आई सी एम की जगह डायमीटर, एम मास है सफेश, तो आई टी बराबर एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर, ये लिख लीजिए आई टी। तो रिंग तक पानी मोरे का कोई बात नहीं, तुम आगे पढ़ो, जितना ऑनलाइन जाके पढ़ोगे ना, अपने काम करके नहीं, ऑनलाइन सेंड कर दीजिए। हाँ हाँ, तुम्हारा मोबाइल है तुम्हारे पास? अभी तो नहीं है, घर पे है। हाँ तो ऐप डाउनलोड कर लिया, तो कौन सी अभी दिखा दो। तो अब देखिए, डायमीटर के अबाउट, डायामीटर के अबाउट आई टी बराबर एम आर स्क्वायर बाई टू आर, टेंजेंट के अबाउट आई टी बराबर थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर। अब आइए दूसरा, अब नेक्स्ट वाला टॉपिक बीच में है, स्टूडेंट रिंग वाला छूट गया, छोड़ो डिस्क वाला, डिस्क वाला। अब देखिए, नोट हो गया तुम लोग का भाई, आई की जगह ये टेंजेंट वाला आई टी ले लिया, आई सी एम सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इधर देखो आयुष, क्या नाम है आयुष, आदित्य, तो आई सी एम की जगह आई डी आ गया, एम और सेपरेशन एच की जगह आर, भाई एच के प्लेस पर आप आर ले लीजिए, एच के प्लेस पर आप आर ले लीजिए, एच की जगह आर, मास इसका भी एम कैपिटल एम से लिखा है, तो एम आर, आई सी एम सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, वो डायमीटर भी तो है, तो आप आई सी एम की जगह आई डी, आई डी की वैल्यू एम आर स्क्वायर प्लस एम आर थ्री बाई टू। अब देखिए दूसरी बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्सिया दूसरा है, दूसरी बॉडी 11 बॉडी बताएंगे यार, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्सिया, यह है डिस्क जिसका मास एम है, इस सर्कुलर डिस्क का मास एन है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है, एक एक्सिस है जो यहां से पास कर, वो एक्सिस है जो, ये
ये एक्सिस है, जेड जेड है। अब इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्सिया बताना है, तो वैसे तो होता है आई बराबर एम आर स्क्वायर बाई टू। ठीक है, याद कर लीजिएगा। एक इसका प्रूफ छोटा सा है तो करते हैं। इसमें हमने एक रिंग ली जिसकी रेडियस है एक्स, थिकनेस है डी एक्स। इसकी रेडियस है एक्स, थिकनेस है डी एक्स। सबकी नहीं करेंगे, जो जो सरल सरल लगेगा वो बता देंगे। इसकी रेडियस है एक्स, थिकनेस है डी एक्स। एक रिंग ली तो, और इस रिंग का, इस डिस्क का, सर्कुलर डिस्क का मास एम है। तो जरा एक बात याद करिएगा, पहले सरफेस डेंसिटी सिग्मा बराबर मास अपॉन एरिया, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। मास अपॉन एरिया, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसका डिस्क का मास, मास ऑफ सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क कैप्चर एम के एरिया है, एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। सिग्मा बराबर मास अपॉन एरिया, मास है कैपिटल एम, एरिया है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें एक लेयर ले ली है, मतलब रिंग ले ली है जिसकी रेडियस है। कंसीडर रिंग, रिंग हूज रेडियस एक्स, एक्स एंड थिकनेस डी एक्स, थिकनेस डी एक्स। तो इस रिंग का एरिया, एरिया ऑफ रिंग टू पाई एक्स, ये परिधि लीजिए 2 पाई एक्स परिधि हुई, dx से मल्टीप्लाई किया ये हो गया एरिया। मास ऑफ रिंग dm से दिखाया, एरिया रिंग का 2 पाई एक्स dx इनटू सिग्मा, सिग्मा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 पाई एक्स dx इंटू सिग्मा, सिग्मा से मल्टीप्लाई करना। टू पाई एक्स डी एक्स इंटू सिग्मा, टू पाई एक्स डी एक्स इंटू अब देखिए मूवमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ रिंग, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ रिंग डी आई बराबर डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। भाई एक्सिस यहीं से पास कर रही है तो रिंग का मास डी एम और डिस्टेंस कितनी है एक्सिस। भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन आप बीच से ही मान लो तो वहां से डिस्टेंस कितनी है, तो डी आई बराबर डी एम का मान है 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू सिग्मा इंटू एक्स, तो डी आई की वैल्यू होगी 2 पाई सिग्मा लग है 2 पाई सिग्मा लग है एक्स इंटू डी एक्स, एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, अब पूरी डिस्क के लिए, फॉर होल डिस्क, होल डिस्क पूरी डिस्क के लिए इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए डी आई को, इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई सिग्मा एक्स क्यूब डी एक्स लिमिट 0 टू 1 आई 2 पाई सिग्मा
बाहर करिए, एक्स क्यूब का एक्स की पावर 2/4 लिमिट 0 टू बाहर कर दिया, i बराबर 2π से आदमी पावर 4। अब ये हो गया i बराबर पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर सिग्मा आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर सिग्मा किसके बराबर होगा एम के, नोट कर लो एक बार फिर बताते हैं। जल्दी से नोट करो, किसमें मैथ में किस चीज का टेस्ट आप सर्कुलर डिस्क, ये सर्कुलर डिस्क जैसे लोहे की एक गोल प्लेट, वो सर्कुलर डिस्क ठीक है, आयरन की रोटी ये तुम लोग रोटी खाते हो वो भी एक सर्कुलर डिस्क है, वो जो ऐसे तस्तरी नहीं फेंकते वो भी एक सर्कुलर डिस्क है, तो ये एक सर्कुलर डिस्क या ये बोर्ड से ऐसे गोल काट लो तो सर्कुलर डिस्क आ जाएगा, तो ये सर्कुलर डिस्क जिसकी रेडियस r है और इसका मास m है, तो सरफेस डेंसिटी सिग्मा बराबर मास अपॉन एरिया, सरफेस डेंसिटी सिग्मा बराबर मास अपॉन एरिया ठीक है, तो सरफेस डेंसिटी को मास अपॉन एरिया, मास है m एरिया पाई आर स्क्वायर, मास m एरिया पाई, कंसीडर ए रिंग हुज रेडियस x एंड थिकनेस d, एक रिंग कंसीडर किया जिसकी रेडियस x है और थिकनेस d है, एरिया फ्री 2πx dx, रिंग का एरिया 2πx हो गई परिधि और dx से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2πx dx, ये हो गया एरिया रिंग का, मास ऑफ रिंग dm बराबर 2πx dx इंटू सिग्मा, ये हो गया मास रिंग का 2πx dx इंटू सिग्मा, भाई एरिया अगर रिंग का अगर आप कहोगे पाई एक्स स्क्वायर ले लें तो एलिमेंट नहीं होगा तो इंटीग्रेशन में दिक्कत आएगी, तो आप क्या लीजिए 2πx dx into σ, ये एरिया ले लिया 2πx σ से मल्टीप्लाई किया हो गया मास ठीक है, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर रही है ये, तो उससे उसकी डिस्टेंस कितनी है एक्स, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ dI बराबर dm into x स्क्वायर, dm की वैल्यू है 2πx dx into sigma into x स्क्वायर, तो ये हो गया 2πσ x और x स्क्वायर x³ dx, 2πσ x³ dx फॉर होल डिस्क, इंटीग्रेशन करके dI का आए
टू पाई सिग्मा बाहर x की पावर 4 अपॉन 4 लिमिट रखोगे r की पावर 4 अपॉन 4 ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, पाई r स्क्वायर सिग्मा r स्क्वायर बाय 2, पाई r स्क्वायर सिग्मा r स्क्वायर, ये हो गया मास। तो रिंग का मास मास ऑफ रिंग, मास ऑफ रिंग एम बराबर पाई आर स्क्वायर, ये मास हो गया भाई। सिग्मा बराबर एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, अभी हमने यूज किया सिग्मा बराबर एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो एम बराबर पाई आर स्क्वायर, एम बराबर पाई आर स्क्वायर से ये रख दिया जाए तो आई की वैल्यू एम पाई आर स्क्वायर सिग्मा इंटू आर स्क्वायर बाई टू, आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई टू। अब याद भी रखनी, अब शॉर्ट में आ गया तो प्रूफ थोड़ी ना करोगे, वो लॉन्ग के लिए है, अगर शॉर्ट में आ गया तो डायरेक्ट आई बराबर एम आर स्क्वायर लर्न कर लीजिए, प्रूफ तो कर ही लिया लर्न भी कर लीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई बराबर एम आर स्क्वायर बाई टू। अब देखिए दूसरा, दूसरा देखिए अबाउट डायमीटर, अबाउट डायमीटर के अबाउट, ये देखिए ये डिस्क, इसमें ये एक्स एक्सिस, ये वाई वाई एक्सिस, आई एक्स की वैल्यू आई डी, आई वाई की वैल्यू आई डी, और ये हो गया जेड जेड एक्स ठीक है। तो अब आप लगा दीजिए थ्योरम आई जेड की जगह आप ले लेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई, ये आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड की जगह आप ले लेंगे आई, आई एक्स की जगह आप ले लेंगे आई टी, आई वाई की जगह आप ले लेंगे आई, तो आई बराबर टू आई, आई बराबर आई डी बराबर आई वाई, आई डी बराबर आई वाई, ये था एम आर स्क्वायर वाई अपॉन, तो आई डी की वैल्यू आ गई एम आर स्क्वायर वाई, एम आर स्क्वायर वाई, आई डी की वैल्यू हो गई एम आर स्क्वायर वाई, ये डायमीटर क्या हो ठीक है। तीसरा आइए टेंजेंट के हो, इसी में मतलब अभी आपका क्या बताया हमने, पहले रिंग फिर सर्कुलर डिस्क, अब आ जाएंगे एनुलर डिस्क। अब देखिए तीसरा अबाउट
10 days. About 10 days. ये आपने कैपिटल आर डिस्टेंस ये बन गया टेंजेंट लीनियर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब लगाइए ये सेंटर से तो ये आईसीएम है, पर ये किसके बराबर हो जाएगा? डायमीटर बराबर। तो देखिए आई बराबर थ्योरम ऑफ पैरेललिज्म अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। आई बराबर ICM प्लस I बराबर ICM प्लस I की जगह आपने क्या ले लिया? I। ICM की जगह आपने क्या ले लिया? I। ये ले लिया N। H की जगह R स्क्वायर। H की जगह R स्क्वायर। तो IT बराबर MR स्क्वायर बाई 4 प्लस MR क्या हो गया 5/4। तो टेंजेंट के अबाउट IT बराबर 5/4। ठीक है बच्चों, 5/4 MR स्क्वायर से समझ में आ गया आयुष आदित्य ऐसा शुभम समझ गए। अब ये तो ये हो गया। अब जब लॉन्ग में आएगा तो वो प्रूफ करना, नहीं तो याद रखना कि डायमीटर ये जो आपका डिस्क का है एम आर स्क्वायर बाई और टेंजेंट का क्या हो जाता आधा, डायमीटर का क्या हो जाता आधा और टेंजेंट में एम आर स्क्वायर जोड़ दीजिए डायमीटर वाले को तो नहीं आ जाता 5/4। अब देखिए एनुलर डिस्क, तीसरा टॉपिक आ गया एनुलर डिस्क। पंखा ही कम कर दो। एनुलर डिस्क तीसरा है एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क, एनुलर डिस्क ये देखिए इसकी इंटरनल रेडियस आर एक्सटर्नल रेडियस आर ये ठीक, इसका मास ठीक है, इसकी जेड जेड डैश एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्स्ट्रा में प्रूफ करा दे, अभी याद कर लो नहीं फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया of annular disk about z-axis। annular का मतलब बीच में कटी हुई है, ये मटेरियल आपका कितने में है, कितने में मटेरियल है, पूरे में मटेरियल नहीं है बच्चों, ऐसे इतने में मटेरियल है
तो आई की वैल्यू मास एम एम बाई टू आर वन स्क्वायर प्लस माइनस नहीं है बच्चों, आर वन स्क्वायर प्लस आर वन, प्रूफ में मैंने दिखाया था, ठीक है। अब इसकी डायामीटर क्या है, टेंजेंट हो नहीं पाएगा क्योंकि आर वन में मटेरियल है नहीं, आर टू में है, तो टेंजेंट हो नहीं पाएगा। तो आप देखिए इसी में है अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ एंगुलर डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ एनुलर डिस्क डिस्क एनुलर डिस्क अबाउट अबाउट डायामीटर मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ एनुलर डिस्क अबाउट डायामीटर। तो एनुलर डिस्क का डायामीटर क्या हो, तो ये है एनुलर डिस्क, इतने में मटेरियल है, सेंटर से एक्स ये आपकी जेड जेड डेस, जेड जेड डेस तो आई जेड की जगह आई हो जाएगा, आई वाई की जगह आई बी, आई एक्स की जगह आई बी, लगा लीजिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस According to theorem of perpendicular, क्या लगेगा, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई जेड की जगह आई बी, आई एक्स की जगह आई बी, आई वाई की जगह आई बी, ठीक है। 2id बराबर है, 2id बराबर है, टू आई डी बराबर है, आई डी बराबर आई, आई डी बराबर आई, ठीक है। तो आप रख दीजिए i बाई टू एम बाई टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, आई डी बराबर एम बाई फोर आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, ये हो गया डायामीटर, ये डायामीटर क्या। अब आइए सॉलिड सिलेंडर के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर,
मोमेंट ऑफ इनर्सी ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इसकी अपनी एक्सिस। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्सिया उसकी अपनी अच के साबित कितने हो गए, रिंग डिस्क रेगुलर डिस्क ये चौथा। सॉलिड सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्सिया उसकी अपनी ओन एक्सिस के, तो ये देखिए सॉलिड सिलेंडर ऐसे बन। सॉलिड सिलेंडर की लेंथ L है, मास M है, रेडियस R, ये आपकी इसकी मास M है। तो इसकी अपनी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया, इसकी अपनी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया, इसकी अपनी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया I बराबर एम आर स्क्वायर बाई मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस एम आर को एम मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर आर रेडियस एम मास है सॉलिड आर रेडियस है सिलेंडर का, कैपिटल आर रेडियस है, कैपिटल आर रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर, L length of cylinder. आप देखिए मोमेंट ऑफ इनर्सिया सॉलिड सिलेंडर का परपेंडिकुलर एक्सिस के है, इसी में मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस, एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द, परपेंडिकुलर टू द ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द ज्योमेट्रिकल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द ज्योमेट्रिकल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ठीक है ज्योमेट्रिकल एक्सिस क्या। आज के बाद फ्राइडे को क्लास लगेगी, ठीक है फ्राइडे को क्लास लगेगी, तो आप क्योंकि कुछ बच्चे जाए आज ही बच्चे चले गए बाहर, तो आप लोगों को ऑनलाइन क्लास तब तक दे देंगे, तो ऐप पे और ग्रुप दोनों पे ही डाल देंगे, ऐप पे ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है तो सभी लोग
बच्चे ऐप डाउनलोड करते हैं और उसमें अभी जो इधर है अभी प्रेजेंट टाइम में वो डाउनलोड करा लेंगे, अभी हम जोड़ देंगे। जो मोबाइल नहीं लाए वो घर से कर लेंगे, फिर क्या हो जाता है टाइम नहीं रहता, मेरे पास बैच रहते हैं तो अभी शामिल हो जाए। ठीक है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस, ये है आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस। लेंथ है एल, रेडियस है आर, लेंथ है एल, रेडियस है आर। ठीक है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्सिया इस परपेंडिकुलर एक्सिस के, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया, इनर्सिया अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आई बराबर याद करिएगा एम, आई बराबर एम एल स्क्वायर बाई 12 आर स्क्वायर बाई 4, एम एल स्क्वायर बाई 12 आर स्क्वायर बाई 4, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें ये मूवमेंट ऑफ इनर्सिया इंटरमीडिएट में पढ़ाओ तो वहां याद करा दिया गया, वैसे बीएससी में जो इंपॉर्टेंट है वो करा, बाकी सब नहीं। ठीक है, अब आ जाइए पांचवा स्फेरिकल सेल का। इसमें जो जो हमको लगेगा इंपॉर्टेंट उनकी क्लास ऑनलाइन हम रिकॉर्ड करके आपको डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए फोर हो गया, फिफ्थ मूवमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ स्फेरिकल सेल, खोखली गेंद स्फेरिकल सेल, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ स्फेरिकल सेल, ये स्फेरिकल सेल, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया ये स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्सिया स्फेरिकल सेल ये है स्फेरिकल। ठीक है, इसमें ये है एक्स एक्सिस, जब स्फेरिकल सेल ऐसी हो जाती गोल, ये सेल खोलेगा, जब ऐसी सेल हो जाती है तो उस स्थिति में आप वैसे नहीं कर सकते हो, मतलब जैसे आपकी गोल बन गई तो उस स्थिति में ये वाली एक्सिस आप नहीं हो सकते, जेड एक्सिस सिर्फ एक्स और वाई, ठीक है, मतलब डायामीटर ही चल पाएगा, ये वाई वाई डैश और ये एक्स, आपकी जेड जेड डैश नहीं चल सकती। ठीक है, तो मतलब आपका ये है आई एक्स, ये है आपका आई वाई, ये है आपका आई एक्स, ये है आपका आई, आई एक्स जो है आई डी के बराबर, आई वाई भी आई डी के बराबर, आई एक्स भी आई डी के बराबर, आई वाई भी आई डी के बराबर, तो इसका आई डी का मान 2 by 3 mR² m है मास, r है m है मास, r है, तो आई डी आई एक्स आई डी के बराबर 2 by 3 mR² आई वाई आई डी के बराबर 2 by 3 mR². ठीक है, और
अभी आ रहे हैं बस। क्या नाम है? अभी हम खुद ही जाके लेंगे। अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं बस। IX ID 2 by 3 MR square. अब टेंजेंट की अबाउट टेंजेंट के ये हो गया XX, ये हो गया टेंजेंट वाला, ये टेंजेंट, ये है कैपिटल R, ठीक है। इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्सिया है आईडी, इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्सिया है आईडी। अब लगा लीजिए, क्या लगाओगे? आई बराबर ये सेंटर से मास पास कर रही है, तो ये किसके बराबर? आईडी जो है आई के बराबर, ठीक है। और आई क्या है? आईडी ही है एम आर 2/3 एम आर स्क्वायर। यहाँ डायामीटर ही निकलेगा, डायामीटर से ही शुरू होगी, ठीक है। तो आई आई बराबर आई सी एम प्लस एम आर एम एच स्क्वायर। ये पढ़े हो ना थ्योरम, अभी बताया आई बराबर आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर। आई सी एम की जगह आपने क्या दे दिया? आई डी। इसकी जगह आई डी दे दी और इसकी जगह एम आर स्क्वायर। तो आई टी बराबर 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ये हो गया 2/3, तो ये हो गया 5/3 एम आर, ठीक, 5/3 एम आर, ठीक है। एक और बता दें, सॉलिड स्फीयर तक बता दें, आपके 5 रह जाएंगे, ठीक है। 5 हम लोग नहीं लिखते, देखिए आप ही को लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्सिया सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। आई एक्स आई डी, ठीक है, आई वाई आई डी, मास एम है, रेडियस आर है, और ये आता है 2/5 एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। सॉलिड टेंजेंट वही 2/5 एम आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 5/2 7/5, ठीक है। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का मास एम, कैपिटल एम मास ऑफ सॉलिड, कैपिटल आर रेडियस ऑफ सॉलिड, ठीक है बच्चों, यहीं तक कर लो आज, नोट कर लो, तुम्हें नोट करना है, ठीक है। छठवां हमने बदल दिया, ये हमने सॉलिड जैसे सेल्फ, अब मटेरियल है तो सॉलिड, ठीक है। अब 5 आपको क्लास भेज देंगे, वेडनेसडे की क्लास में भेज देंगे, सभी बच्चे ऐप डाउनलोड कर लेंगे और ग्रुप में भी जुड़ जाएंगे। तो ये 3-4 दिन जो भी, अब जैसे इस मंथ छुट्टियां बहुत हैं, अभी दीपावली भी पड़ेगी, और जो बच्चे बाहर के हैं तो घर वाले भी चाहते हैं कि घर आ जाए, तो आप उस समय ऑनलाइन का उपयोग करें और पढ़ाई करें, ठीक है। सुबह मोबाइल है कि नहीं दिलवा दें, मोबाइल है कि नहीं, तुम्हारे पास पर्सनल ही दीदी का पर्सनल है ना, वो कहा जाए मोबाइल दिलवाइए, बी एस सी पार्ट 1 में एक
गर्ल्स आई, वो थोड़ा सा गरीब है, मतलब उसके पिताजी का ये अच्छा नहीं कमा पाते, तो उससे मैंने कह दिया मोबाइल ले लो, घर में लड़ गई आके मोबाइल लेने के लिए। और उनके पिताजी का फोन है कि आपने ऐसा खर्चा वाला बता दिया 10,000 का, तो फिर मैंने कहा ऐसा घर में जो मोबाइल हो उसी में बता दे, तो फिर घर में मोबाइल था। तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि एकदम खरीद ही लो। ठीक है बच्चों, ये है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का। कोई आई एक्स प्रूफ बहुत बड़े एक्स्ट्रा में बता देते हैं, ठीक है। आई एक्स की वैल्यू आई डी 2/5 एम आर स्क्वायर, आई वाई की वैल्यू आई डी 2/5 और टेंजेंट में तो ये आपका 2/5, तो ये आई आई की जगह आई टी, आई सी एम की जगह आई डी एम आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा 7/5। तो आज जब हमने कराया तो 6 तक पहुँच पाए। अभी हमें किसका बताना है, थिक सेल का बताना है, थिन बार का, रेक्टेंगुलर लेमिना का, रेक्टेंगुलर बार का, और एक हम एक्स्ट्रा बता देते हैं डाई एटॉमिक गैस। चाचा चल रहे हैं, बस कहाँ जा रहे हैं, चलना बैंक चलना है।